योग के लाभ ही लाभ हैं, यानी कि योग देता ही देता है, कुछ लेता नहीं है। योग साधना को दिया गया एक घंटा बचे हुए 23 घंटों को 46 आवर्स में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये आपकी वर्किंग कैपेसिटी को दुगना कर देता है। इतनी ताकत है योग में। योग देखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन योग के भी कुछ नियम हैं। जब हम योग साधना की बात करते हैं तो कहा गया कि खावत पीवत सोवत जागत, यानी 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए आपको योगी बन के रहना है। पर जब हम बात करते हैं योग के अभ्यास की, तो योग का अभ्यास किस समय किया जाना चाहिए, क्या पहन के किया जाना चाहिए, किस स्थान पर किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए, इसके नियम आइए अब हम जानते हैं।